Hi guys, welcome back to my YouTube channel. As you know by the title, in today's video we are going to be making art, because this is an art channel. I'm an artist a little bit, so we're going to be doing art today. इसे लिप्पन आर्ट कहते हैं, ये ज़्यादातर कच्छ साइड में बनाते हैं. सो वी गन बी डूइंग दैट एंड आई एम नॉट बेस्ट एट इट. मुझे करना ही नहीं आता, मैं पहली बार कर रही हूँ आपके साथ. सो आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट एंड शो यू गाइज. सो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, सो व्हेनेवर आई पोस्ट अ वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन. लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमें चाहिए बिरला वाइट केयर पुट्टी. ये 45 रुपीज़ का 1 kg आता है, हमें इतना चाहिए भी नहीं बट हम 1 kg खरीद सकते हैं. तो इसकी पेस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए ग्लू एंड वाटर. प्रोपोर्शन होगा 2:2:1. सो आफ्टर मेकिंग अ पेस्ट लाइक अ पेंट, हम MDF बोर्ड लेंगे और उसके ऊपर वो पेंट करेंगे ताकि हमारा एक बेस बन जाए अच्छा सा. इसके 2 coats लगेंगे, तो हम 2 coats वॉल पुट्टी के लगाएंगे. फर्स्ट कोट सूखने के बाद ये लग गया सेकेंड कोट, और इसको सूखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, एटलीस्ट 1 घंटा तो रुकना पड़ेगा दोनों कोट के बीच में. फिर सेकेंड कोट लगाएंगे, फिर 1 घंटा रुकेंगे. देन वो सूखी हो जाने के बाद जो अपना हमें आर्ट करना है, आपको जो भी बनाना है इंटरनेट पे बहुत कुछ है, तो वो ड्रॉ कर लेंगे पेंसिल से. मैं गणपति पप्पा बनाऊँगी, तो आपको अगर गणपति पप्पा बनाना है तो आप सेम बना सकते हो, नहीं तो इंटरनेट पे बहुत आइडिया आते हैं. सो वी आर गोना मेक अ गणपति पप्पा विथ पेंसिल फर्स्ट. फिर वो पेस्ट बनाने के लिए जिससे हम अपना गणपति पप्पा 3D में बनाएंगे, उसके लिए हम लेंगे वॉल पुट्टी. इतनी मत लेना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चम्मच बस है. मैंने खाली फुकट इतनी ले ली थी, फिर बाद में सब वेस्ट हो गया था. सो 2 चम्मच लेना. उसके बाद जितनी वॉल पुट्टी ली है हमने उतना ही ग्लू लेंगे एंड थोड़ा सा पानी लेके हम उसको मिक्स कर देंगे, और उसमें और 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल डालेंगे और मिक्स करेंगे. एक अच्छी सी पेस्ट बन के हो जाने के बाद हम उसे एक कोन में डालेंगे. अगर आपको कोन बनाना नहीं आता तो इट्स ओके, मुझे भी नहीं आता. मैं YouTube लिंक नीचे डाल दूंगी, उसे आप सीख जाना कोन कैसे बनाते हैं. देन कोन में डाल के हम उसको रबर बैंड से सील कर देंगे एंड देन वी गोना स्टार्ट विथ आवर आर्ट. फिर हम थोड़ा सा टिप काट के नीचे से हम उसको मेहंदी की तरह ड्रॉ करना शुरू कर देंगे ऐसे. मुझे मेहंदी निकालनी नहीं आती, अगर आपको मेहंदी निकालनी आती है तो ये आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा और आप मस्त मस्त आर्ट बना सकते हो. पर मुझे मेहंदी निकालनी नहीं आती एंड इसके लिए वो बहुत अच्छे से हो नहीं रहा था, बट आई ट्राइड माई बेस्ट एंड या जस्ट वॉच व्हाट आई एम गोना डू. आफ्टर मेकिंग दैट हम 24 hours वेट करेंगे, उसको अच्छे से सूखने देंगे.
सूखे हो जाने के बाद हम उसे वाइट एक्रेलिक पेंट से पेंट करेंगे। आप कोई भी कलर कर सकते हो वैसे तो, बट आई एम गोना डू वाइट। वाइट पेंट करके हो जाने के बाद हमें वापस रुकना है एक घंटे के लिए, ताकि वो पेंट अच्छे से सूख जाए। देन यू आर गोना टेक रेड मार्कर, जो काम नहीं करता, मतलब मेरा वाला काम नहीं करता, और अगर आप नया मार्कर लोगे तो आपका भी काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसके एक्रेलिक पेंट किया है। एक्रेलिक पेंट के ऊपर मार्कर नहीं चलता आई थिंक, क्योंकि मेरा नहीं चला तो आपका भी नहीं चलेगा। तो ये आइडिया फ्लॉप थी, तो हम मार्कर नहीं लेंगे। उसके बाद हम लेंगे कांच, जो 20 रुपये की मिलती है, तो वो लेने के बाद हम उसको डिज़ाइन करेंगे बॉर्डर में, जैसे मैंने किया। आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो। उसके लिए हम ग्लू यूज़ करेंगे, ऑफ कोर्स चिपकाने के लिए ग्लू ही यूज़ करेंगे। तो यस, I didn't give up. I still tried with the marker, but didn't work. So I move on to the paint. Acrylic paint. हम acrylic paint लेके एक पतला वाला brush लेके हम brush से paint करेंगे। After making that 3D Ganpati Bappa with red color, after painting that 3D Ganpati Bappa with red color, we are officially done. And this is how it looks. I hope you like it. I love it. मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद आया। And ta-da!